मॉर्निंग स्टूडेंट, लास्ट क्लास में बेटा गति की समीकरण हमने ग्राफीय विधि से ज्ञात कर ली थी और आज हम पढ़ेंगे बेटा कलन विधि से गति की समीकरण। गति की समीकरण वही तीनों जो आपने ग्राफीय विधि से ज्ञात की, उसका दूसरा मेथड है कलन विधि, और ये एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है। कलन विधि की सहायता से गति की समीकरण लिखे या ज्ञात कीजिए, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। तो तीनों समीकरण अपने पास वही होंगी। अब हमें देखो स्थितियां वही लिखनी है, कंडीशन होगी एक समान त्वरित गति करती, हमारी वस्तु की जो गति होगी उसका त्वरण जो है ना वो समान होगा, तो त्वरण जो है ना वो नियत होगा। माना एक वस्तु एक समान त्वरण से गतिशील है, एक समान त्वरण अर्थात एकामान नियत है, ए कॉन्स्टेंट है, ए नियत, एक समान त्वरण से गतिशील है। कंडीशन ये, वस्तु का प्रारंभिक वेग, वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा अंतिम वेग v है, अंतिम वेग v है। प्रारंभ में वो u वेग से गतिशील थी और अंत में किसी क्षण के बाद उसका वेग कितना हो गया v। लिखू t बराबर 0 समय और इधर ले लू t बराबर t समय, या t2 बराबर t ले लू या t1 बराबर g। प्रारंभिक वेग शून्य, सॉरी u अंतिम वेग भी, प्रारंभिक विस्थापन x1 शून्य मान लिया, x2 को आपने x लिख दिया या s से निर्देशित, और a आपका नियत है। तो पहले समीकरण के लिए प्रथम समीकरण ज्ञात करेंगे कलन विधि से। प्रथम समीकरण देखो बेटा, प्रथम समीकरण ज्ञात करने के लिए हमें कलन विधि काम में लेनी है। कलन का मतलब आपको समाकलन विधि काम में लेनी है। किसी क्षण पर अगर हम औसत त्वरण की बात करें या तत्क्षणिक त्वरण, किसी क्षण स्मॉल टी पर, किसी क्षण स्मॉल टी पर वस्तु का त्वरण, वस्तु का त्वरण जिसको हम क्या बोलेंगे तत्क्षणिक त्वरण, a बराबर dv अपॉन dt, a बराबर dv अपॉन dt। आप इसको वज्र गुणा करो, इसको वज्र गुणा करोगे तो क्या लिखोगे, dv बराबर a dt। आपको कलन विधि मतलब समाकलन वाले कॉन्सेप्ट लगाना, और समाकलन अपना जीरो चैप्टर में पढ़ा हुआ है। आप क्या करोगे बेटा, दोनों साइड समाकलन करोगे, दोनों तरफ आप क्या कर दोगे, समाकलन कर दोगे। इधर किसके सापेक्ष समाकलन हुआ, वेग के सापेक्ष। प्रारंभिक निम्न सीमा जो है वो प्रारंभिक वेग u और ऊपरी सीमा अंतिम वेग आपका v, तो u से v में वेग परिवर्तन हुआ, u से v तक वेग परिवर्तित हुआ, तो प्रारंभिक सीमा u हो गई, अंतिम सीमा v हो गई। इधर किसके सापेक्ष समाकलन है बेटा, t के सापेक्ष। प्रारंभिक समय कितना आपका t1 0, अंतिम समय कितना है t। अब इसका समाकलन कर लो, इसका समाकलन के लिए आपको मैं एक सूत्र लिख देता हूं डायरेक्ट अभी जो काम में लेना है। सूत्र ध्यान से देखो, ये याद रखना बॉक्स वाला, x की घात n का x के सापेक्ष समाकलन का सूत्र होता है x की घात n प्लस 1 बटा n प्लस 1। एक सूत्र तो ये ध्यान रखना, एक अगर मैं आपका 1 का x के सापेक्ष अवकलन पूछूं, नियतांक का अवकलन जीरो नहीं, सॉरी समाकलन जीरो नहीं होता, अवकलन शून्य होता है। 1 का x के सापेक्ष समाकलन x होगा, जिसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं ना वही होता है। 1 का t के सापेक्ष समाकलन t होगा, 1 का z के सापेक्ष समाकलन z होगा, और फिर अगर कोई सीमा की बात होती है तो हम सीमा भी रखते हैं। बस ये दो सूत्र काम किया है। अब ध्यान से देखो, यहां कुछ भी नहीं है, dv लिखा है तो dv के साथ में 1 लिख सकता हूं, 1 का v के सापेक्ष समाकलन अपन कर सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा आगे और सिंपलीफाई किया, मैंने लिखा इसको समाकलन u से v, यहां 1 लिख दिया, 1 से गुणा भाग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 dv बराबर, इसमें जो a है वो कांस्टेंट, समाकलन से बाहर आ जाएगा, नियतांक हमेशा समाकलन से बाहर, समाकलन 0 से t, यहां पे फिर क्या बचा, a को बाहर ले लिया तो 1 बचा, आप 1 ले सकते हो यहां पे 1 dt। आप इसको क्या लिख सकते हो, 1 dt। अब ध्यान से देखो, 1 का v के सापेक्ष समाकलन, दूसरा वाला फार्मूला काम में लो, 1 का x के सापेक्ष समाकलन x, तो 1 का v के सापेक्ष समाकलन v, और सीमा क्या हो जाएगी आपकी, ऊपरी सीमा v है, निम्न सीमा u, u से v बराबर a आपका ऐसे की ऐसे, 1 का t के सापेक्ष समाकलन स्मॉल t, और सीमा क्या हो जाएगी बेटा, 0 से t, निम्न सीमा 0 है, ऊपरी सीमा t है। अब ध्यान से देखो, सीमा कैसे रखते हैं,
जो यहाँ पे आपका फलन होता है उसमें पहले ऊपरी सीमा रखते हैं फिर माइनस निम्न सीमा रखते हैं। तो ऊपरी सीमा v है, v की जगह v लिखा जाएगा, v माइनस u, निम्न सीमा u है तो v की जगह u लिखा जाएगा, बराबर k ऐसे की ऐसे। ऊपरी सीमा t की जगह आपको t लिखना होगा, निम्न सीमा 0 है तो t माइनस 0। अब आपने इसको लिखा v माइनस u बराबर t माइनस 0 t, ये at हो गया, u को आप उधर लेंगे तो v बराबर u प्लस at, ये आपकी गति की प्रथम समीकरण आ गई, इक्वेशन नंबर 1। v बराबर u प्लस at कौन सी विधि से ज्ञात किया हमने? समाकलन विधि से, जिसको हम कलन विधि भी बोलते हैं, मेथड ऑफ कैलकुलस। पहली समीकरण में कोई समस्या नहीं आई, आपने किसी क्षण पर वस्तु का त्वरण लिखा a बराबर dv / dt, वर्चर गुणा करके फिर दोनों तरफ समाकलन कर लिया और सीमाओं का ध्यान रखा कि अपनी जो सीमा है वो कौन सी है। तो जो प्रारंभ में दी हुई है वो प्रारंभिक सीमा, जो अंतिम मान है वो हमारी अंतिम सीमा होगी। ठीक, अब हम गति की दूसरी समीकरण की बात करेंगे। गति की दूसरी समीकरण, गति की दूसरी समीकरण सेकंड पॉइंट, ठीक है ना, कई बार तीनों समीकरण पूछता है, कई बार ऐसे लिख देता है गति की प्रथम व द्वितीय समीकरण ज्ञात कीजिए, तीसरी नहीं पूछे। गति की दूसरी समीकरण, देखो दूसरी समीकरण, दूसरी समीकरण जो है उसमें अपने को वस्तु का वेग लिखना होगा। ठीक है, अपन वस्तु का क्या लिखेंगे? वेग, क्योंकि दूसरे समीकरण विस्थापन ज्ञात करते हैं उसमें, तो समाकलन से हम ज्ञात कर लेंगे। माना किसी क्षण स्मॉल टी पर वस्तु का वेग v बराबर dx / dt, ये लिखा जाएगा विस्थापन का t के सापेक्ष क्या कर लो, अवकलन वो वस्तु का वेग कहलाएगा। अब आप इसको वज्र गुणा करो, वज्र गुणा करोगे तो dx बराबर क्या लिखा जाएगा बेटा, v dt। समीकरण 1 से v का मान याद रखो, समीकरण 1 से v का मान रखने पर, v का मान रखने पर देखो बेटा dx बराबर v का मान u plus at into dt, इस dt को अंदर मल्टीप्लाई करो तो u से भी होगा और at से भी होगा, तो dx बराबर u dt plus at into dt। अब बोथ साइड क्या कर लेंगे, दोनों तरफ समाकलन कर लेंगे, यहां पे भी समाकलन करना होगा, इसका भी समाकलन और इसका भी समाकलन। ये समाकलन का चिन्ह है, यहां किसके सापेक्ष समाकलन, x के सापेक्ष, x आपका विस्थापन, प्रारंभ में कितना है 0, अंतिम कितना है x, तो सीमा हो जाएगी बेटा 0 टू x। यहां किसके सापेक्ष समाकलन, t के सापेक्ष, प्रारंभिक समय आपका 0 है अंतिम समय t, तो 0 से t, और ये भी t के सापेक्ष 0 से t। अब आपको इसका समाकलन करना है, ठीक है, यहां कुछ नहीं, 1 का x के सापेक्ष समाकलन, क्या लिखोगे, या एक बार और लिखूं मैं इसको, समाकलन 0 से x 1 dx, 1 से गुणा भाग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी समीकरण पे, बराबर u आपका प्रारंभिक वेग नियत है, u आपका प्रारंभिक वेग नियत है तो समाकलन से बाहर आ जाएगा, क्योंकि अपन t के सापेक्ष समाकलन कर रहे हैं, तो u आपका समाकलन से बाहर 0 से t dt प्लस, यहां पे a भी आपका नियत है, समाकलन 0 से t dt, और अब आपको इसका समाकलन लिखना है, तो मैं इधर लिख देता हूं साइड में, देखो 1 का x के सापेक्ष समाकलन कर लो, उसके बाद 1 का t के सापेक्ष समाकलन कर लो, और फिर t के सापेक्ष समाकलन कर लो, मतलब तीनों अलग अलग समीकरण जो है ना इनके समाकलन कर लेते हैं। 1 का x के सापेक्ष समाकलन, x सीमा क्या हो जाएगी 0 से x, बराबर u ऐसे के ऐसे लिखा जाएगा, नियत है, फिर देखो ध्यान से, यहां पे कुछ नहीं है तो 1 का t के सापेक्ष समाकलन स्मॉल t, और लिमिट क्या हो जाएगी बेटा 0 से t, प्लस a जो है वो कांस्टेंट ऐसे के ऐसे लिख दिया आपने, यहां पे t है ना, t का t के सापेक्ष समाकलन, t की घात कितनी है बेटा 1, तो घात में एक जुड़ेगा ऊपर भी और नीचे भी, वही लिखा जाएगा, क्या होगा सूत्र,
टी स्क्वायर बटा दो, टी की घात वन है ना, तो टी की घात वन प्लस वन बटा वन प्लस वन, अर्थात इसको लिखा जाएगा टी स्क्वायर बटा दो, और लिमिट क्या हो जाएगी, जीरो से टी। लिमिट क्या हो जाएगी, जीरो से टी। अब देखो ध्यान से, अब आप सीमा रखो, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा, x की जगह x ही रखा जाएगा, x माइनस जीरो बराबर u, t माइनस जीरो ऊपरी सीमा t, निम्न सीमा जीरो, t माइनस जीरो प्लस a ऊपरी सीमा t, t की जगह t लिखा जाएगा, t स्क्वायर बटा दो माइनस जीरो स्क्वायर बटा दो। आप इसको हल करो, x में से जीरो माइनस करोगे x, u t में से जीरो माइनस करोगे t, u t प्लस ये देखो a, t स्क्वायर बटा दो माइनस ये जीरो हो जाएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, t स्क्वायर बटा दो, एक बटा दो ए टी स्क्वायर, x बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो दूसरी समीकरण है गति की। ये गति की कौन सी समीकरण आ गई बेटा आपके पास, दूसरी। क्या किया इसमें आपने, कलर विधि काम में ली, और वही समीकरण जो आपने ग्राफीय विधि से ज्ञात करी थी x बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वो आपने कलर विधि से ज्ञात कर ली। अब देखो गति की तीसरी समीकरण, गति की तीसरी समीकरण, गति की तीसरी समीकरण, गति की तीसरी समीकरण, गति की तीसरी समीकरण ज्ञात करने के लिए थोड़ा सा ध्यान से देखो, आपने सूत्र वही लिखना है, आपने सूत्र लिखा a बराबर dv बटा dt, a बराबर dv बटा dt, वस्तु का शीर्षांक पे त्वरण dv अपॉन dt होता है, मैंने इसको dx से ऊपर नीचे गुणा कर लिया, मैंने इसको क्या किया dx से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। एक्चुअल में तीसरी समीकरण में समय नहीं आता, उसके लिए आपको क्या करना होगा, इसमें से समय को रिमूव कर दें, dx बटा dx लिखा। अब देखो आगे मैंने क्या किया, इस dx के नीचे dt लिख दिया, dx बटा dt ये अलग कर दिया और dv बटा dx अलग कर दिया, dv बटा dx अलग कर दिया। अब ध्यान से देखो, dx बटा dt वस्तु का वेग, dx बटा dt क्या है, वस्तु का वेग, इसको हम v लिखेंगे, तो आपके पास समीकरण आ गया बेटा a बराबर v dv बटा dx। अब आप इसको वज्र गुणा कर लो, इसको क्या कर लोगे, वज्र गुणा, तो v dv बराबर a dx, इसको लिखोगे v dv बराबर a dx, और अब दोनों पक्षों को मैं क्या कर लो, समाकलन, इधर तो किसके सापेक्ष समाकलन हो गया, v के सापेक्ष, और इधर x के सापेक्ष, a नियत पहले ही बाहर रख दो, 0 टू x हो गई सीमा, और इसकी u से v हो गई, क्योंकि प्रारंभिक वेग आपका u था, अंतिम वेग v था, तो इसकी सीमा तो होगी u से v, और इसकी सीमा x के सापेक्ष कर रहे हैं, प्रारंभिक विस्थापन शून्य था, अंतिम x, तो v का v के सापेक्ष समाकलन, ये सूत्र लगेगा, x की घात n, n की जगह 1 है, 1 x की घात 1 का x के सापेक्ष समाकलन x स्क्वायर बटा 2, n की जगह 1 रख लेंगे, ऐसे ही v का v के सापेक्ष समाकलन v स्क्वायर बटा 2, सीमा क्या हो जाएगी बेटा u से v बराबर a ऐसे कैसे 1 का x के सापेक्ष समाकलन x, सीमा 0 टू x, सीमा रखो दोनों पक्षों में, v की जगह v रखेंगे ऊपरी सीमा, तो v स्क्वायर बटा 2 माइनस u स्क्वायर बटा 2 बराबर a x माइनस 0, ऊपरी सीमा आपकी x, निम्न सीमा 0, तो x माइनस 0, लघुतम ले लो 2 उधर लेके जाओ, तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2ax, x माइनस 0 x, u स्क्वायर को उधर ले जाओ, तो तीसरी समीकरण आ गई बेटा आपके पास, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ax, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ax। इस तरह से हमने गति की तीसरी समीकरण भी कलर विधि से ज्ञात कर ली। आपको केवल यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि जब तीसरी समीकरण निकालनी हो बेटा तो dx से ऊपर नीचे गुणा करो, dx से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो क्या होगा, इसमें समय को जो है ना हम हटा देते हैं, समय हमारे तीसरे समीकरण में होता ही नहीं है, तीसरे समीकरण v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2a में आपका समय नहीं है, इस तरह से हम गति के तीसरे समीकरण भी प्राप्त कर लेते हैं। तो कलर विधि से गति के समीकरण जरूर पूछा जाता है एग्जाम में, ग्राफीय विधि चाहे आए चाहे नहीं आए, इस तरह से हम गति के समीकरण ज्ञात कर लेते हैं। अगला है कि स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु के लिए गति के समीकरण, अगर फ्री फॉल वाला केस देखें, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु का मतलब फ्री फॉल वाली स्थिति में गति की समीकरण क्या होती है वो भी चेक कर ले, ठीक है ना, छोटे छोटे सूत्र लिखने देखो बेटा कोई वस्तु स्वतंत्रता पूर्वक गिराई जाए,
उस स्थिति में जो गति की हम तीन समीकरणों की बात करते हैं वो कैसी होती हैं, या उन समीकरणों को अपन कैसे लिखेंगे, हम चेक करते हैं। टॉपिक आपका है स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु के लिए गति की समीकरणें। तीनों समीकरण देखनी। अगर किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक, मान लो एक वस्तु है जिसको स्वतंत्रता पूर्वक गिराते हैं, तो उसका प्रारंभिक वेग कितना होगा? शून्य। अंतिम वेग कितना होगा? v। जब नीचे गिरती है वस्तु तो आपका त्वरण जो है a का मान कितना होता है? प्लस g मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अगर किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक गिराते हैं, जैसे चौक है, इसको हमने यहां से छोड़ा h ऊंचाई से, कितनी ऊंचाई से? h ऊंचाई से छोड़ा, तो वो नीचे की तरफ ही गिरता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण हमेशा वो पृथ्वी की सतह की तरफ ही आकर्षित होता है। तो a का मान आपने कितना ले लिया? प्लस का g, फिक्स होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मान लो आपने h ऊंचाई से गिराया, तो ये ऊंचाई भी जो है ना पृथ्वी की सतह से, h ऊंचाई से आपने वस्तु को गिराया, तो ये ऊंचाई h ले ली, मतलब विस्थापन आपका h। तो अगर हम प्रथम समीकरण की बात करें, तो प्रथम समीकरण थी v बराबर u प्लस kt। मान लो यहां से यहां तक पहुंचने में समय भी t लगा होगा, समय भी कितना लगा है? t। अंतिम वेग v है, प्रारंभिक वेग शून्य, एक ही से क्या लिखूंगा बेटा? प्लस बीच में g into t, तो v बराबर gt, v बराबर gt, ये प्रथम समीकरण होगी। गति के प्रथम समीकरण v बराबर gt होगी स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु के लिए। सेकंड समीकरण आप लिखते थे बेटा x बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ध्यान से देख, x कितना हुआ? विस्थापन, यहां से यहां तक का विस्थापन, x की जगह क्या लिखेंगे बेटा अपन? h। प्रारंभिक वेग शून्य इंटू टी प्लस हाफ a की जगह g इंटू टी स्क्वायर, तो h बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। ये आपकी दूसरी समीकरण आ गई बेटा, इजी होती है। ऐसे ही अपन तीसरी समीकरण की बात करें, तो तीसरी समीकरण देखो बेटा, v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2ax, ये होती है आपकी समीकरण। अंतिम वेग v है तो v स्क्वायर, प्रारंभिक 0 है तो 0 स्क्वायर प्लस 2a की जगह क्या लिखा जाएगा? g, और x को आपने h माना हुआ तो 2gh, तो v स्क्वायर बराबर 2gh, अर्थात v बराबर अंडर रूट 2gh। किसी स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु का अंतिम वेग का सूत्र यही होता है। ये गति की दूसरी समीकरण और ये गति की तीसरी समीकरण। पहली समीकरण वेग, त्वरण और समय में संबंध, विस्थापन, त्वरण, समय में संबंध, वेग, त्वरण और विस्थापन में संबंध, इस तरह से अपन ज्ञात कर लेते हैं। तो बहुत आसान है, कई बार क्वेश्चन न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं तब ये हमें चेक करना होता है, ठीक है। अब इसका अपन एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, किताब का बहुत इजी सा न्यूमेरिकल है और कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है ना। इस टाइप से गति की समीकरणें हमें काम में लेनी होती है, वो हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे, फिर पहले पूरा चैप्टर फिनिश करके फिर बाद में क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। पहले एक क्वेश्चन कर रहे थे जनरल, एक बहुमंजिला भवन, क्वेश्चन आपका है किसी बहुमंजिला भवन जिसकी ऊंचाई 25 मीटर है, मंजिल की जो ऊंचाई है वो 25 मीटर है, वो पृथ्वी की सतह पर ही होती है बहुमंजिला भवन। क्वेश्चन ये है आपके पास कि एक बहुमंजिला भवन है इस तरह से, जिसकी ऊंचाई जो है वो 25 मीटर है, ये ऊंचाई 25 मीटर है, किसी बहुमंजिला भवन के ऊपरी छत से कोई वस्तु या कोई गेंद 20 मीटर वेग से ऊपर की ओर फेंकी जाती है। यहां से वस्तु को हमने 20 मीटर प्रति 20 मीटर के वेग से, प्रारंभिक वेग आपका दिया हुआ 20 मीटर प्रति सेकंड, इतने वेग से वस्तु को ऊपर की ओर फेंका गया इस दिशा में। मान लो वो वस्तु यहां तक गई ऊंचाई तक, कितने वेग से फेंका? प्रारंभिक वेग 20 मीटर प्रति सेकंड से, और कितनी ऊंचाई का था बहुमंजिला भवन? 25 मीटर का। क्वेश्चन आगे पूछ रहा है, जिस बिंदु से गेंद फेंकी गई है पृथ्वी से, उसकी ऊंचाई 25 मीटर है, गेंद कितनी ऊपर जाएगी तथा गेंद धरती से टकराने से पहले कितना समय लेगी? गेंद कितनी ऊपर जाएगी, मतलब यहां से या पृथ्वी की सतह से कितनी ऊपर जाएगी, पहला सवाल, और ऊपर जाके नीचे आने में कितना समय लगेगा, ये सवाल है। मतलब इसने दो सवाल पूछे, पहला सवाल ये पूछा है कि गेंद यहां से कितनी ऊंचाई तक जाएगी, मान लो यहां तक गई इस बिंदु तक,
और मुझे पता है कि भाई जैसे आपने 20 मीटर प्रति सेकंड के वेग से ऊपर की तरफ फेंका है तो अंतिम वेग क्या हो जाना चाहिए, जहां पे रुक जाएगी। ऐसा तो है नहीं कि बॉल जो है वो जा रही है परमानेंट ही चलेगी, भाई रुकेगी नहीं। जहां उसका अंतिम वेग शून्य हो जाएगा, मतलब जितनी ऊंचाई तक, मान लो ये h ऊंचाई तक गई, ये ऊंचाई h मान ली, तो इस स्थिति में h के अंतिम बिंदु पे जाके वेग जीरो हो जाएगा। तो अंतिम वेग जीरो होगा, हमसे h पूछा, प्रारंभिक वेग दिया हुआ है। और त्वरण की बात करो, अगर अपन त्वरण की बात करें बेटा, तो स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु के लिए नीचे की तरफ त्वरण होता है प्लस z, अगर वस्तु को ऊपर उछालेंगे तो त्वरण कितना होगा माइनस z। तो इस वाली स्थिति में जब अंतिम वेग शून्य होगा तो मुझे h का मान ज्ञात करना है, उसमें u का मान दे रखा है 20 मीटर प्रति सेकंड और त्वरण g का मान दे रखा है -9.8 या 10 -10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जनरली -10 ही ले लेते हैं g का मान, 9.8 या 10 एक ही बात है, कोई खास फर्क नहीं है। देख लो कौन से समीकरण लग रहे, तीसरी समीकरण ज्यादा सूटेबल नहीं है, v² बराबर u² प्लस 2ax, अंतिम वेग शून्य का स्क्वायर, प्रारंभिक वेग 20 का स्क्वायर प्लस 2a की जगह क्या लिखोगे माइनस c, a की जगह क्या लिखोगे माइनस का 10, x मुझे ज्ञात करना जिसको मैं s से निर्देशित कर रहा हूं, x को मैं क्या निर्देशित कर रहा हूं h मान लो। अब ध्यान से देखो हल करना है, इसको कुछ नहीं है, 20 का ये प्लस माइनस होना हो गया माइनस, 0 का स्क्वायर 0, 20 का स्क्वायर 20 × 20 400 हो गया, 400 माइनस 20 हो गया 2 × 10 आपका 20 हो गया, ठीक है h। अब इस माइनस वाले राशि को इधर ले आओ, 20 h बराबर 400, तो h बराबर 400 बटा 20, फिर से कट गया 20 मीटर, अर्थात ये बहुमंजिला भवन की छत से 20 मीटर ऊपर जाएगा तो सतह से, पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पे गया, अतः सतह से पृथ्वी की सतह से गेंद 20 प्लस 25 अर्थात 45 मीटर ऊपर जाएगी, 45 मीटर ऊपर जाएगी, पृथ्वी की सतह से 45 मीटर ऊपर और भूमंजिला भवन की सतह से 20 मीटर ऊपर जाएगी। अगला प्रश्न आपसे ये पूछा है कि भाई ये वस्तु यहां से जाके और ऊपर जाके नीचे आने में कितना समय लेगी, मतलब वस्तु को हमने यहां से, बॉल को यहां से फेंका, पहले 20 मीटर ऊपर गई उसके बाद वापिस नीचे आ गई। अब ध्यान से सुनो, जब हमने प्रारंभ में फेंका तो वेग इतना था, और अगर मैं यहां पर विस्थापन की बात करूं तो मैं उसको ले लूं y1 जिसका मान 25 मीटर है ऊपर की ओर, अगर मैं अंतिम बिंदु की स्थिति की बात करूं तो y2 शून्य है, अंतिम बिंदु की स्थिति शून्य है, हमें समय ज्ञात करना है कि वस्तु यहां से ऊपर जाके नीचे आने में कितना समय लेगी। गति की तीसरी समीकरण होती है विस्थापन x2 - x1 बराबर या y2 - y1 बराबर, एक्चुअली में y2 y1 लिखा है ना, ऐसे लिख लो y2 - y1 बराबर ut + half at square, डायरेक्ट ये तीसरी समीकरण काम में लो ताकि अपने कांसेप्ट एक साथ ही क्लियर हो जाए। अंतिम बिंदु की स्थिति y2 शून्य, प्रारंभिक बिंदु की स्थिति y1 25 मीटर है, तो आप लिखोगे 0 - 25 बराबर u प्रारंभिक वेग 20 * t, प्रारंभिक वेग कितना है जब हमने गेंद को ऊपर की तरफ फेंका तो प्रारंभिक वेग था 20 मीटर प्रति सेकंड, तो u की जगह 20 * t + ½ a, वस्तु को हमने ऊपर की तरफ फेंका था तो a कितना हो गया माइनस c माइनस 10 * t स्क्वायर। और अब यहां से t का मान हल कर दो, -25 बराबर 20t माइनस, ये कट जाएगा 5t स्क्वायर, 5 कॉमन लेके काट दो दोनों तरफ, ये t स्क्वायर में एक द्विघात समीकरण बन गया, इसको इधर ले आओ 25 भी इधर ही रहेगा, तो 5 कॉमन लेके काट दो तो यहां बचा माइनस का 5 बराबर 4t माइनस का t स्क्वायर, अर्थात समीकरण बन गए t स्क्वायर माइनस 4t माइनस का 5 बराबर 0। टुकड़े कर लो, t के मान निकालो दो, t स्क्वायर माइनस यहां आना चाहिए, गुणा करने से 5t स्क्वायर माइनस का और जोड़ने से माइनस का 4t, चेक कर लो कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी ना, t के दो मान आएंगे
माइनस का 5t प्लस का t, जोड़ने से माइनस का 4t हो रहा है, गुणा करने से माइनस का 5t स्क्वायर है, सही है, माइनस का 5 बराबर 0, t कॉमन ले लो, t माइनस का 5 प्लस 1, t माइनस का 5 बराबर 0, t माइनस 5 t प्लस 1 बराबर 0, t के दो मान आ गए, 5 सेकंड, एक माइनस का 1 सेकंड, ये मान संभव नहीं है, समय माइनस में नहीं होता, उत्तर आ गया 5 सेकंड। वस्तु को यहां से यहां तक जाने में और फिर ऊपर से नीचे आने में कुल समय लगेगा 5 सेकंड, कुल समय कितना लगेगा बेटा 5 सेकंड। इस सवाल को आप दो तरीके से कर सकते थे, दूसरे वाले को यहां से यहां तक का समय निकाल लेते, फिर ऊपर से नीचे आने वाला समय निकाल लेते, कंडीशन वैसी होती, यही समीकरण लगानी होती, दोनों समीकरण जोड़ लेते, शायद एक में 2 सेकंड आएगा, एक में 3 सेकंड आएगा, टोटल 5 सेकंड ही उत्तर आएगा। आप डायरेक्ट इस मेथड से करो, आपका एक स्टेप में आंसर आ जाता है, ठीक है। इस तरह से हमने गति के समीकरण से संबंधित एक सवाल को सॉल्व कर लिया, बाकी सवाल और अगला टॉपिक अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।